अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पेंडुलम के ज़रिए मेल और फीमेल का फ़र्क मालूम कर सकते हैं और क्या इसके नतीजे में मिलने वाले रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक होते हैं या नहीं होते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो वो दबा लें ताकि आपको आइंदा आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले आपको मेल पकड़ के दिखाता हूँ कि उस पर किस तरह क्या ये पेंडुलम मूव करता है। करना आपने कुछ यूँ है कि सबसे पहले मेल पकड़े, ये देखे मैंने अब जो पीस पकड़ा है ये बिल्कुल क्लियर हेड क्लियर नोज़ का मेल है, आप साफ देख सकते हैं कि मेल है। और अब इस करना आपने ये है कि आपने जो पेंडुलम बनाया है वो इसके फेस की तरफ करना है। और पेंडुलम बनेगा कैसे, आपने धागे के साथ स्टील का के लिए किसी भी धात को बांध देना। और अब ये देखे इसकी मूवमेंट शुरू होगी और इसकी मूवमेंट जो है वो नोज़ से लेके हेड की तरफ आ रही है, यानी कि स्ट्रेट मूव करेगा अगर ये मेल होगा तो। और ये इसे मैं अपने हाथों से मूव नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, इसमें किसी भी किस्म का कोई टेक्निक नहीं है, ये ऑटोमेटिक मूव होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फीमेल की बॉडी कैसे मूव होगा। मेल की बॉडी मूव हुआ है स्ट्रेट और अब ये देखे जो फीमेल है बिल्कुल क्लियर फीमेल है। ये भी मैंने लव बालियाँ और कोई और म्यूटेशन इसलिए नहीं ली ताकि आपको भी इजीली पता लग जाए कि मेल और फीमेल ही है कि नहीं। और ये देखे फीमेल की बॉडी मूव होगा क्लॉक वाइज। हवा की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है, हम अगेन रखते हैं और ये देखे मूव होना शुरू हो गया। और अब इसकी मूवमेंट क्लॉक वाइज है, ये गोल घूम रहा है इसके सर पे। और ये देखे मेरा हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, जस्ट पेंडुलम मूव हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली मूव होगा, अपना हाथ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है मेल की बॉडी वो स्ट्रेट मूव किया है और फीमेल की बॉडी वो क्लॉक वाइज मूव हुआ है। और ये जो मूवमेंट है ये खुद ही मूव होती है, जस्ट आपने रखना है वो खुद ही मूव होने लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये तरीका ठीक है या नहीं। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक, पर इसका जो रिज़ल्ट है वो अक्सर गलत आ जाता है। और गलत आने की वजह ये है कि ये पेंडुलम सिर्फ वही बताता है जो आप दिल में सोचते हैं। जैसे कि अब इसकी बॉडी फीमेल की बॉडी ये मूव होना चाहिए क्लॉक वाइज, पर अब ये स्ट्रेट मूव होगा और स्ट्रेट मूव इसलिए होगा क्योंकि ये मैं सोचूँगा कि ये मेल है। और अब ये देखे ये इसकी मूवमेंट स्ट्रेट शुरू होगी क्योंकि मैं दिल में बोल रहा हूँ हल्का हल्का मेल 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 मेल, और इसकी जो मूवमेंट है मेल जैसी होगी हालांकि ये फीमेल है। इसी तरह मैं आपको मेल पकड़ के दिखाता हूँ कि उसकी मूवमेंट स्ट्रेट होती है या नहीं होती, उसकी बॉडी भी मैं यही सोचूंगा कि ये फीमेल है। ये देखे अब मेल के ऊपर मैं पेंडुलम रखा है और इसकी जो मूवमेंट है वो आपके सामने है, हल्का हल्का से ये देखे गोल घूमना शुरू हो गया। और ये देखा अब आपने ये बिल्कुल गोल घूमना शुरू हो गया जैसा कि फीमेल की बॉडी से घूमना चाहिए। अब भी मैंने यही सोचा है कि ये फीमेल है, हालांकि सबको पता है ये मेल है और मुझे भी पता है ये मेल, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट है वो अक्सर गलत यूँ ही आता है कि जो हम सोचते हैं पेंडुलम ने वही बता देना होता है। ये जस्ट अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए एक तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हालांकि ये तरीका जो है तकरीबन 4-5 साल से यूज़ हो रहा है पर बहुत कम, आजकल ये तरीका बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। अक्सर जो है शौकीन हजरात वो मेल और फीमेल की पेयरिंग करके कोई भी पट्ठों की दे देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, उनके साथ धोखा है। ये अपनी चीज़ बेचने के लिए वो बच्चों को ये जादू दिखा के अपनी चीज़ दे देते हैं। अब मुझे बहुत से लोग कहेंगे कि ये भाई मैं तो बड़े अरसे से ऐसे ही पेयरिंग करूँ पेंडुलम के ज़रिए और कभी भी कोई भी पेयरिंग जो है गलत नहीं हुई, तो मैं कहूँगा इसमें पेंडुलम का इसमें कोई कमाल नहीं, माशाल्लाह से आपका ही तजुर्बा काफ़ी हो गया होगा। आप जिस तरह पहले पेयरिंग कर रहे हैं उसी तरह पेयरिंग करें बगैर पेंडुलम के, तब भी आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर ये तरीका बिल्कुल ठीक होता तो DNO वालों के पास कौन जाता जो हज़ार हज़ार का एक पीस कई ले लेते हैं। और अगर हर बंदा यूँ घर बैठ के क्या चेक नहीं कर सकता, तो लिहाजा कोशिश यही करे कि ये तरीका यूज़ कम से कम करे। और अगर कोई सेल करनी है कोई चीज़ तो ये तरीका यूज़ किए बगैर सेल कीजिए। और जो हजरात आप जाते हैं लेने तो आप भी एहतियात करें कि ये तरीका वो यूज़ ना करे क्योंकि इससे जो पेयरिंग होगी वो लाजमी नहीं है वो ठीक हो। वीडियो देखने का शुक्रिया और जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी है वो इसे शेयर कर दे, और जिन भाइयों को ये वीडियो नहीं पसंद आई या उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी तो उनसे एडवांस में माजरत।